धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज की हजूरी दे विच जुड़ बैठी साध संगत जी, गज के आखो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। क्योंकि समा पहला ही बहुत हो चुका वा तो सारे ही बुलारिया ने जिहड़े वीर इस केस दे विच मशक्कत करके घालना करके इस केस की उन्होंने लड़ाई लड़ी गुरसेवक सिंह फौजी वीर जी के नाल रल के एक तरीका दे जांदे रहे, किसी भी किस्म का योगदान पाया तो असी उन्हों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो बाकी वो सारिया गलों तो आप सुन लिया ने। एक थोड़ी जी गल मैं करूँगा भी जिहड़े साडे कौम के जथेदार जां वड्डियां जथेबंदियां दे जिहड़े नुमाइंदे ने उन्हां दी इन्हां केसां दे विच की पैरवाई होनी चाहीदी आ जां उन्हां ने कीती जां नहीं कीती, जे नहीं कीती तां क्यों नहीं कर रहे जिहड़ियां, क्योंकि पहलां आपां नूं गल करनी पैणी आ। क्योंकि मैं दो मिनट मंग के इस करके लैने भी मेरे मन दे विच थोड़ी जी गल्लां आईयां, क्योंकि मैं इस केस तों निकलिया वां ते थोड़ा जिहा इहदा तुसीं तजर्बा ला लो, थोड़ा बहुत जिन्ना कहेगा मैं तुहाडे नाल सांझा करन दी कोशिश करूँगा भी उन्हां दी जिम्मेवारी की बनती है ते उन्हां ने अज तक की रोल निभाया। क्योंकि आपां सब तों पहलां गल करदे आं सरकारां दी, सरकारां तां बाद दे विच आउंदियां ने, पहलां आउंदे ने इह लीडर धर्मी लीडर जिहड़े वड्डे वड्डे कौम दे अहुदिआं ते बैठे ने, जिन्हां ने अहुदिआं ते बैठ के कदे भी सुचजे ढंग दे नाल पैरवाई नहीं कीती। क्योंकि बहुत बंदे गलबात सुन के जे किसी नाल गलबात करिए कोई उन्हां दा जाने कि भी उन्होंने हमायती हों कहता भी तुम्हें की कर लिया गल, जिहड़े अहुदिआं ते तुसीं बैठे हो जिहड़ियां जिम्मेवारियां ते बैठे हो हरेक सिख तुहानूं सवाल कर सकता वा, क्योंकि तुसीं उस अहुदिआं दा आनंद माण रहे हो, क्योंकि तुहाडा कौम दे विच उन्हां अहुदिआं ते सत्कार किया जाता वा ते उह कल्ला सत्कार दे लई ही तुहानूं उह अहुदे नहीं दित्ते गए, उहदे ते कुछ जिम्मेवारियां बनदियां। जिदा थाने दे विच कोई इंस्पैक्टर हुंदा उहदी ड्यूटी लगी हुंदी आ, चोरियां हो जाण ते आपां जाके एस एच ओ ते गल पैंदे आ ना भी तेरी जिम्मेवारी की बनती है, भी इन्ने अपराध वध गए, इन्नियां चोरियां हो रही ने। इस तरीके दे नाल जिहड़े इह अपने कौम के जथेदार वड्डियां वड्डियां जथेबंदियां दे जिहड़े नुमाइंदे ने इन्हां दी जिम्मेवारी हैगी है भी असी कौम दे विच जिहड़ियां चुनौतियां आ रही ने उन्हां दा सामना किदां करना ते असी कौम नूं अगे किस तरीके दे नाल लैके जाणा। मैं इन्हां दी इंटरव्यू सुन रहा सी ते उहदे विच इह दस रहे ने भी इन्हां दे दस्सण दे मुताबिक जिद्दां इन्हां दस्सिया भी जथेदार नूं मिले ते उन्हां ने कहता भी तैनूं की लोड़ सी गवाही देण दी, इस तों ज़्यादा शर्मनाक गल हो की सकती आ जिहड़ा अपने आप नूं सिख कौम दे जथेदार कहाउंदे ने ते गुरू पातशाह जी दी जिहड़ा दोस्तां ने बेअदबी कीती होवे उन्हां दे विरोध दे विच इक कोई सिख खड़ा होवे ते उहनूं इस तरीके दे शब्द उन्हां वल्लों बोले जाण ते उह इस अहुदे दे तां की उह सिख कौम दे वी लायक नहीं हैगे। क्योंकि आपां देखिए भी जदों इह गल होई सी भी उदों बादल सरकार सीगी, भी उदों बादल सरकार सी ते बादल सरकार ने हमेशा ही गुरु साहिब की बेअदबी करने वाले नूं बचाया ते आप अगे हो के सिंघां दा विरोध कीता ते तुहाडे इलाके दीआं घटनावां ने, क्योंकि तुहाडे इलाके दे विच उन्हां ने गोलियां मार के सिंघां नूं शहीद कीता गया। क्योंकि मैं शायद दो मिनट तो ज़्यादा लै लवां क्योंकि मैं थोड़ा जिहा अपने केस बारे भी दसणा भी मेरे केस दे विच भी जदों गोली चली सी उह गोली चले ते भैया ऑन दी स्पॉट नहीं मरिया सी, उहदे ते भी केस चलिया सी। उहदे केस दे विच जिहड़ी 295A हुंदी आ इहदे लई कोर्ट मंजूरी लैंदी आ कैबिनेट तों ते कैबिनेट की मंजूरी तो बाद दे विच भी उहदे ते उह केस चलाया जांदा, जे कैबिनेट की मंजूरी ना होवे तां उहनूं केस नूं 295A नूं 295 विच कन्वर्ट कर दित्ता जांदा जे मंजूरी ना आवे। मेरे केस दे विच बादल सरकार सी उदों ते उदों काफ़ी जद के सिंघां ने उपराले किए इन्हां तक पहुँच की भी ये सैशन नहीं कर रही सी, जाने कि मंजूरी नहीं दे रही सी बादल सरकार, क्योंकि गृह विभाग का जिहड़ा प्रधान सी जिहड़ा ये सीगा सुखबीर बादल, क्योंकि श्रोमणी अकाली दल का बादल दल का प्रधान भी यह सी ते उदों कैबिनेट का प्रधान भी यह सी ते इहदे कोल तक पहुँच की ते इन्हां ने लोगों ने उस बइए ते जिन्हें बेअदबी की गुरु साहब की उहदे ते 295A लाउण की मंजूरी नहीं दित्ती ते बहुत लोग जिहड़े इन्हां लोगों नूं डिफेंड करते ने जिहड़े इन्हां लोगों नूं अज भी हुण जिहड़ा समां निकलिया वा इहदे विच इन्हां नूं पंथक बना के पेश करन दी कोशिश की गई जिहड़ी नाकाम रही ते रहूगी भी हमेशा। जे
खालसा पंथ जागता रहा तो यह हमेशा ही नाकाम होंदे रहेंगे। तुसी वह केस के भी मेरे अर्द हड्डी बीती है, यह कई गल्लों का सुनिया सुनाइया होकर थोड़ा जहा बड़बड़ेवा पै जाता। ये उस भइए 295 ए दे तहत केस नहीं चलिया, 295 दे तहत चलिया। जिहड़ी इस केस दे विच जिन्नी कि मैनूं जानकारी है, जिहड़ी 3 साल सज़ा हुई आ 295 ए दे विच हुई होनी है, क्योंकि 295 ए दी जिहड़ी सज़ा वा उह 3 साल मिनीमम ते मैक्सीमम 10 साल। ਇਹ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਲੇ ਲੈਵਲ ਵਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਵਾਜਿਆ ਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਔਨ ਦੀ ਸਪੋਟ ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਰੱਬ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਭਰ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹ ਘਰ ਆ ਜਾਣ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਹੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਪਾਸੋਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਮਤ ਤੋਂ ਉਲਟ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਸਭ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧੜੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚਲਾਈ ਆ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਮੁਖੀ ਉਹਦੇ ਥਾਪੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕਹਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਂ ਕਕਾਰਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਹਰੇਕ ਜੋ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਤੱਕ 78 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਧਾਣ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਲਹੂ ਪੀਤਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ, ਸਿੱਖ ਸਿੰਘਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਨਿਭਾਈ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ? ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਕੱਠ ਵਧੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਮੇਟੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਆ, ਇੱਥੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਕਸੂਰਵਾਰ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਨੇ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਉਣਤਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਲ ਕੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਦੋਂ ਵਿਗੜੀ, ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਤਾਂ ਇੱਕੇ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸਹੀ ਮੈਨੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਬਣਦਾ? ਸਿਰਫ ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਆਪ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਟੌਰ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ 20-25 ਬੰਦੇ ਬੁਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਠ ਜਾਣੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣਾ ਪਊਗਾ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀਆਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜੇ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਬਦਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ, ਮੈਂ ਟੈਕਸੀ ਦਾ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਗੇੜਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਆਏ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਤਰੀਕ ਆ ਗਈ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟ ਸੱਦਿਆ ਹੋਇਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਈ ਚਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਜਿਹੜੀ ਐਪ ਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਔਨਲਾਈਨ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਵਿਕਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਸੁੰਦਰ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੋਰੀਅਰ ਰਾਹੀਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਭੇਜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰੋ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਉਹਦੀ ਹਲੇ ਵੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੌਰ ਉੱਥੇ ਕਰਨੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਲਵਾ ਕੇ ਜਾਵੇ
ते इन्हां दे हित दी गल होवे जिथे इन्हां नूं नहीं है किसे नूं आम इन्हां दे दफ्तर दे विच वी कोई बंदा नहीं वड़ सकदा। ठीक है जी। एक बहुत गुरद्वारा साहब विच जिथे तुसीं झाती मारो वी इस हाल दे विच दसां पातशाहियां दी फोटो लगी है। ये फोटो काल्पनिक अपने आपां ने बनाई है, अपने प्रेम ने बना ली। ला लो भी जिदा की साबत सूरत गुर सिद्धांत मुख रखते हुए यह फोटो बनिया भी महाराज का दाड़ा प्रकाश सिर ते दस्तार, क्योंकि अठवें पातशाह जी ने जिहड़े उन्हां दी आयु छोटी सी उस आयु दे विच दाड़ा नहीं प्रकाश हुंदा, इस करके उन्हां दी बिना दाड़े तो आ। पर मैं बहुत गुरदुआरे च एक गल छोटी लगूगी सुन लूँ मैं तुहाडे तक, इस करके पहुँचा रहा भी इत्थों शायद सोशल मीडिया से गल चले जाए जिहड़े गुरु घरां दे विच इह चीज़ां लगियां होईयां ने उत्थों उतर जाण। भगत साहबाना दीआं फोटोआं मेरे हले भी फोन दे विच ने, श्री हजूर साहब जाण दा मौका मिलिया पिछले थोड़े दिनां दे विच, उत्थें कई गुरु घरां दे विच भगत साहबाना दीआं फोटोआं जिन्हां दी गुरबाणी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे विच दर्ज आ, उन्हां दे मुच्छां रखियां ने ते दाढ़ी कट्टी आ। ते मैं उत्थे प्रबंधकां नूं भी 7-8 साल हो गए, तुसीं यकीन जाणे हो भी हरेक बार बेनती करदा भी इन्हां नूं बदलो, क्योंकि उन्हां भगतां दीआं फोटोआं साबत सूरत दीआं भी हैगीआं ने, उह भी मेरे फोन च ने, उन्हां नूं इह भी दिखाईआं भी आह भी तां बणीआं ने। असीं फिर कलीन शेवां दीआं क्यों लाईआं, कलीआं मुच्छां रखीआं दी क्यों लाईआं? मैं सवाल करना तुहानूं प्रबंधकां नूं, मैं ही सवाल करना भी गुरु साहिब दी जिहड़े भगत साहिबाना दी गुरबाणी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे विच दर्ज आ, की उह रूमां दी बेअदबी करदे सी? फिर कोई जवाब नहीं, फिर बदल दिंदे आ। पर कहण दा भाव असीं छोटियां छोटियां चीज़ां दी बेअदबी करदे, बहुत वड्डियां बेअदबियां तक तां ही इह गल्लां आईआं ने। ते सारिआं नूं आपां नूं गुरु ग्रंथ साहिब महाराज बल बख्शण, सुचेत करन, ते कौम की सेवा दे लई, कौम की सेवा वह कर सकता जिते ते सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की मेहर होवे। ते दूजी गल, जो तुसीं कौम की सेवा दे विच कदे सतगुरु त्रुट के तुहाडे तो कोई सेवा लै लैण, मन लो कई दफा की हुंदा भी शरीरक बल नहीं मिलता आम संगत का, तुहानू भी तुहानू निराशा पैदा हुंदी आ, उत्थे बड़ा निराश होकर सोशल मीडिया से आपां कई बार पाउण लग जांदे मेरी बाह नहीं फड़ी, इह नहीं कीती। टेक ते ओट आसा गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का रखिए, तो सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज विच संगत दे विच इदां दे शरीर हुंदे ने जिदां गुरसेवक सिंह फौजी जी नाल जांदे रहे ने। ठीक है जी, वो तुहानू आपे सतगुरु ने मिला देने आ। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज अगे अरदास करिए भी असीं तकड़े हो के गुरु साहिब साढ़े तो सेवा लै लैण। ठीक है जी। तो जिहड़े इह कौम दे जथेदार बने ने आ, इह नींद दे विच उठ नहीं सकते, आपां तां कहिंदे आ वी नींद च उठो, इह नहीं उठ सकते क्योंकि इन्हां नूं पहलां टीका ला के इन्हां दी जमीर मार के ही इन्हां नूं इत्थे बिठाया गया वा। जे इन्हां दे विच कोई किणका होवे ना जागण दा, तां इह कदे भी जथेदार नहीं बन सकते, क्योंकि जथेदार इन्हां नूं प्री प्लैन लाया जांदा भी आह बंदा लाउणा, इह कदे भी साडे खिलाफ नहीं भुगतूगा। इदां ही सरकारां करदियां हुंदियां ने भी इह बंदे नूं इह लगण तो कोई गल नहीं, इह कदे सरकार दे खिलाफ प्रोग्राम नहीं दूगा, इदां ही इह ने। मैं देखो अगे भी बहुत होया, पर फौजी साहब जी दे मूहों सुण के इंटरव्यू दे विच भी जथेदार ने बयान दित्ते भी तुसीं सच जाणे हो भी जो मेरी रूह कदे सुपने च भी सोच नहीं सकती सी, उस अपने आप नूं कहाउण वाले जथेदार ने वह बचन बोले, वह सिख कहाउण दे लायक भी नहीं जे उन्हें यह बचन इन्हां गुरसिखां नूं बोले सी इस संबंध विच। ते मैं टाइम काफ़ी लै गया तुहाडा, ते मैं माफ़ी मंगदा तुहाडे तों सारिआं तों। ते वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।